लगातार चुनावी परिणाम बदल रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं तो कुछ घट रहे हैं। वहीं एनडीए ने दो सीटें जीत भी ली हैं, 298 पर वो बढ़त बनाए हुए हैं और 52 सीटों पर उसको नुकसान हो रहा है। आईएनडीआई इंडिया गठबंधन 211 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और 135 के फायदे में चल रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की बात करूं तो 30 सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है और 7 के फायदे पर है। अन्य जो है वो 2 पर बढ़त बनाई हुई है और 68 के नुकसान पर है। सर, ये जो फायदा हो रहा है इंडिया गठबंधन को, वो सबसे ज्यादा किस राज्य से? देखिए, इंडिया गठबंधन को जो फायदा हो रहा है वो दो राज्यों में, जहां भारतीय जनता पार्टी को भी और उनके गठबंधन को भी। मोदी राष्ट्रनायक हैं, मोदी जननायक हैं, मोदी बड़े नेता हैं, सारी बातें वहां स्वीकार हैं उन दोनों राज्यों में। उसके बावजूद जो है इंडिया गठबंधन के साथ लोग खड़े नजर आ रहे हैं, ये बड़ी कड़ी कड़वी सच्चाई है। और मोदी जी को और भाजपा को अब अपने बारे में थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि दो राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो सदैव प्रधानमंत्री जीता है। जो भी प्रधानमंत्री जिसको बनना है उसे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना पड़ेगा ये माना जाता है। मोदी साहब भी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और उनकी हवा है, उनकी छवि बहुत अच्छी है। राम मंदिर का मसला था वो सॉल्व हुआ है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है एनडीए का, भाजपा का जो गठबंधन है, उसको मुंह की खानी पड़ी है। इसका कारण है राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो एक पैक्ट हुआ था, वो पैक्ट इस बार थोड़ा सा सफल हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में सीटें हैं और वहाँ एनडीए जो गठबंधन है वो 35 सीटों पे आ गए हैं। उसको 31 सीटों का नुकसान है। अभी की जो स्थिति है 31 सीटें बहुत होती है। ऐसी जो इंडिया गठबंधन है वो 44 सीटों पर आ गए हैं और उसको 44 का फायदा है, 44 का फायदा। आप देखिए सुप्रा साफ की स्थिति से वो लोग 44 पहुंच गए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सारा का सारा जो गेम है वहाँ मुंड गिने जाते हैं कि कितने लोग आपके साथ में। बसपा 10 के नुकसान पर है, 0 पर आ गए। देखिए बस, अब ये वही बात है कि टेक्नोलॉजी में अगर आप, तकनीक का दौर है, राजनीति भी तकनीकी दौर से हो रही है, आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, आपके कंप्यूटर में अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किए तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं रहेगा। इस दौर में जो पार्टियां अपने आप को अपडेट नहीं करेंगी, जनता से कनेक्ट नहीं करेंगी, उनको हाशिए पे ला दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी इसका उदाहरण नहीं, जहां ये था कि भाई सारे वोट जो है वो मोदी के चेहरे पर जा रहे हैं, वहां योगी और मोदी दो बड़े नाम हैं। योगी की भी पूछ परख उतनी है, उतना ही वर्चस्व है, तो यहाँ नुकसान किसका है, योगी का या मोदी का? लेकिन एक सिद्धांत है, हमने इसको पढ़ा होगा कि प्लस प्लस माइनस हो जाता है कई बार। तो ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र में भी हिंदूवादी लोग बड़ी तादाद में हैं और हिंदू को पसंद करते हैं, राष्ट्रवादी लोग मैं कहूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह, लेकिन कुछ मसले ऐसे रहे होंगे कि स्थानीय कुछ गणित ऐसे रहे होंगे, कुछ आतंक फैलाने वाले लोगों को मारना योगी जी का, या कुछ गुंडे बदमाशों का सफाया करना, ये कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ होगा मुझे लगता है। तो इस वजह से एक माहौल खिलाफ था। उत्तर प्रदेश से कुछ वीडियो रील्स इस किस्म के भी लगातार आ रहे थे कि जब हमारा राज आएगा तो हम राम मंदिर तोड़ देंगे, वापस मस्जिद बना देंगे, इस तरह की चीज़ें भी निकल के आ रही थी। लोगों के मन में कोई आक्रोश है, उनको कोई वहाँ पे पंच कर रहा था कि आपको कुछ करना है, कुछ करना है मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ वातावरण बनाया गया था। तो जिसका वो वोटों में तब्दील हो गया। कल उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं, रात में मैं उनको सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे फोन कॉल ट्रेस किए हैं कि जो अगर संख्या बल कहीं कम आता है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या इनके गठबंधन का, तो दंगे कराए जा सकते हैं। ऐसी बात कल आ रही थी, उन्होंने कहा था हम सख्ती से इन लोगों को निपटेंगे, हमारे पास पुख्ता सबूत है। तो धरपकड़ भी कर शुरू हुई थी। आज आप देखिए कि जब परिणाम आने शुरू हुए तो आप चर्चा कर ही रही थी कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। तो ये आम चीज़ है, लेकिन कहीं मोदी साहब और योगी साहब की लोकप्रियता का ग्राफ कमज़ोर पड़ा है ऐसा लगता है। और ठीक ऐसी स्थिति जो आर्थिक राजधानी है देश की मुंबई और महाराष्ट्र, दोनों जगह से भी इस तरह के परिणाम हमको देखने के लिए मिले हैं। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए। महाराष्ट्र में सर 17 की 17 जो सीटें हैं उसके आगे 24 पे नुकसान पर। हाँ, अब आप जब महाराष्ट्र की हम लोग बात करते हैं तो शायद 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। बिल्कुल, 48 सीटों में से 17 पे एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और 24 का नुकसान उसको है जी। और वहीं इंडिया गठबंधन 30 सीटों है, 30 का 30 फायदा है। तो ये दो प्रदेश उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, कहा भी जा रहा था कि इन दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं। और यहाँ एक कई बार क्या होता है कि एक नकारात्मक लहर आपके प्रति बन जाती है,
कि जब सरकार चल रही थी उसके बाद उद्धव ठाकरे की उसमें तोड़फोड़ हुई, कितना संदेशा अलग हुई, एक अलग दल बना, बाद में उसको मान्यता मिल गई कि यह अच्छी शिवसेना है। ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में असर करती हैं। मेरा भी मानना यह है कि ये जो बीजेपी तोड़ फोड़ की राजनीति करने लगी थी या कर रही है, उस तोड़ फोड़ की राजनीति का हर वक्त पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ये जरूरी नहीं है। इस बार नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो यूपी और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। यूपी महाराष्ट्र में जननायक की जो छवि है उस छवि पर आघात लगाए, जो जननायक की छवि है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है, ऐसा इन दो जगह के परिणाम से हमको देखने को मिलता है। अभी हमने बात की थी उत्तराखंड 5 सीटें 5 की 5 बीजेपी को, छत्तीसगढ़ 11 सीटें 10 सीटें अभी तक बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही हैं, मध्य प्रदेश में 29 में से अभी परिणाम नहीं आए, रुझान है 29 की 29 सीटें, ऐसा कई जगह आप साउथ में देखें वहाँ बीजेपी को बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है बीजेपी ने, बीजेपी गेन कर रही है, लेकिन दो बड़े राज्यों में आके बीजेपी अपने हथियार डाल देती है और वहाँ जो इंडिया गठबंधन है उसके लोग बाजी मारते नजर आते हैं और फिर लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश का जो गठबंधन है वो कहीं इनके ऊपर भारी साबित हुआ है। गुजरात में दो के नुकसान पर है, जिस राज्य से अमित शाह साहब आते हैं, जिस राज्य से प्रधानमंत्री स्वयं आते हैं, और इंडिया गठबंधन दो के फायदे उनके पास कुछ नहीं था। जिनके पास कुछ नहीं है उनको पाने के लिए बहुत कुछ था, और जिनके पास बहुत कुछ था वो खो क्यों दिए, उसके पीछे उन लोगों को एक एनालिसिस करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं एक राज्य की बात और आपसे करूंगा, राजस्थान की 25 सीटें हैं राजस्थान में, बीजेपी 14 पे आगे चल रही है, बीजेपी को यहाँ 10 सीटों का नुकसान है, इंडिया गठबंधन के पास यहाँ 11 सीटों पे बढ़त है, उनको 11 का लाभ है। तो आप समझिए कि राजस्थान भी बड़ा प्रदेश है, 25 सीटें हैं, और वहाँ एकदम से झटका लगता है बीजेपी को, 10 सीटें नीचे आ जाती है जी। ये परिणाम नहीं है, अभी रुझान चल रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी का जो कोर ग्रुप है, बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, बीजेपी को लग रहा था कि हमने सोशल मीडिया पे विज्ञापन कर दिया है, बीजेपी इस बार अखबारों में टेलीविजन पे विज्ञापन से बची, मैं कोई आर्थिक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रचार का जो पारंपरिक तरीका है बीजेपी ने चुनाव प्रचार का, हमारे यहाँ चुनाव एक जो है लोक उत्सव है, हमारे यहाँ हर घर का उत्सव है चुनाव, और उसको जब आप उत्सव को उत्सव की तरह नहीं मनाएंगे, आपको लगा कि आप सोशल मीडिया पे चले गए, सोशल मीडिया पे प्रचार कर दिया, तो उससे आप चुनाव जीत जाएंगे संभव नहीं है। आप जब तक पारंपरिक तरीके से भारत में चुनाव नहीं होगा तब तक लोगों को आनंद ही नहीं आता है। एक बीजेपी की हार के जो हार नहीं जो बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, क्योंकि बहुमत बीजेपी के पास है, जादुई आंकड़ा बीजेपी छूती नजर आ रही है, बीजेपी का गठबंधन, तो ऐसे में उनको अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। सर दीदी के राज्य चलते हैं, पश्चिम बंगाल के हाल देख लीजिए, 7 के नुकसान पर भी बहुत। देखिए जब विधानसभा का चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, कोरोना का वक्त था वो जी। उस दौर में मध्य प्रदेश के हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो मोर्चा संभाले हुए थे, नरोत्तम मिश्रा डेरा डाले हुए थे, अरविंद भदौरिया डेरा डाले हुए थे, वहाँ पे संभाले हुए थे, उसके बावजूद वहाँ स्थितियाँ बड़ी विषम थी, आपने देखा वहाँ उनके पास खोने को कुछ नहीं था तो कुछ लेकर आए थे नहीं, लेकिन आप ममता बनर्जी को आप भला बुरा कह सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता है, उनकी जो ताकत है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं फटाफट, दीदी का राज्य पश्चिम बंगाल में, बीजेपी जो है वो 10 सीटों पर आगे और 7 के नुकसान में है, कांग्रेस जो है वो 1 सीट पर आगे है और 1 ही सीट की उसको बढ़त भी मिल रही है, तृणमूल कांग्रेस जो है वो 31 पर आगे चल रही है और 8 की बढ़त मिली है, वही अन्य जो है वो शून्य। अब इसमें देखिए कि तृणमूल को जो 8 की बढ़त है उसमें से 7 सीट तो बीजेपी की है जी, बीजेपी की 7 सीट तृणमूल कांग्रेस को जा रही है, लेकिन वहां पर ममता दीदी का जो जादू है वो आप रोक नहीं पाए। देखिए अब आप देखिए अपने अपने इलाकों में जो छत्रा पे हैं, अगर देश में मोदी जी का जादू चल रहा है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू चल रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जादू चल रहा है, महाराष्ट्र में गठबंधन का जादू चल रहा है, तो अलग अलग जगह जो छत्रप हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, इसलिए बीजेपी को बड़ी गंभीरता से जब वो राष्ट्रीय पार्टी होने की बात करती है तो फिर आपका परफॉर्मेंस भी वैसा होना चाहिए। अब बीजेपी के पूरे रणनीतिकारों के लिए अब ये समय आ गया, सरकार बन जाएगी आपकी, लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा कि 29 के बाद भी आपको राज करना है कि नहीं। बिल्कुल, केजरीवाल के नए राज्य भगवंत मान पंजाब चले, तो पंजाब में आपको बता दें कि बीजेपी 2 के नुकसान पर है और फिलहाल शून्य पर है, और कांग्रेस जो है वो 7 के साथ कटती हुई है, आप पार्टी को 2 सीटों की बढ़त है, 3 पर 2 पर आगे चल रही है, और वही
शिव जो है वो एक के घाटे में है और अन्य जो है वो एक के। शिरोमणि अकाली दल से बहुत उम्मीद थी कि अच्छा करेगी, लेकिन वो खाली एक सीट का मामला उनका फंस के रह गया है। कुल 13 सीटें हैं, 13 सीटों का आकलन आपने बताया, तो ये बीजेपी के लिए फिर एक गंभीर मसला है कि पंजाब में आप विधानसभा चुनाव आ रहे थे, उसके बाद आपने वहाँ सबक नहीं दिया, जिस तरह की रणनीति आपकी चाहिए थी या आपने जो रणनीति बनाई वो फेल हो गई वहाँ पे। फिलहाल केजरीवाल को जेल में डालकर या उन पर जांच बिठाकर बहुत लाभ जो है वो बीजेपी उठा नहीं पाई है। हाँ, लाभ नहीं उठा पाई, लेकिन इसमें घाटे में इसमें दिल्ली की बात भी करना पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार है और दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। 7 सीटों पे बीजेपी वहाँ फिलहाल आगे चल रही है, जो इंडिया गठबंधन और अन्य है वो सब शून्य की स्थिति में है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ अगर आपकी सरकार है तो वहाँ आपके फेवर में माहौल है, ऐसा भी बिल्कुल कह रहे हैं। सर, बिहार में बहुत उठापटक चलती है, खूब उठापटक चलती है, और उसके बावजूद भी 5 सीटों के नुकसान पर है बीजेपी। देखिए, बिहार में जिस तरह की राजनीति हुई, पहले नीतीश कुमार ने गठबंधन NDA से नाता तोड़ा और पुराने साथियों से जुड़ गए, फिर लौट के आए, तो बिहार की जो राजनीति है वो हमेशा चौंकाती रही है। लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जहाँ से खाली से राजनीति की जाती है। बिल्कुल, NDA को 5 का नुकसान है और इंडिया गठबंधन को वहीं पर 5 का फायदा मिल रहा है, ये बिहार की स्थिति है और अन्य अभी शून्य पर। तो यही दो पार्टियों के बीच में, यही दो गठबंधन के बीच में जो था वो चुनाव था, वो NDA और इंडिया के बीच में था। NDA जो है 34 पर आगे बढ़त बनाई हुई है, 5 के नुकसान पर है, और वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो 6 पे बढ़त बनाई हुई है और 5 के फायदे। बिल्कुल, बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान की राजनीति में, जब 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, 40 सीटें बिहार की, महाराष्ट्र की 48, 29 मध्य प्रदेश की, तो ये जो हम जिसको हिंदी भाषी बेल्ट कहते हैं, यहाँ से बीजेपी को बहुत बढ़त की संभावना थी, जहाँ बीजेपी कहीं कहीं गच्चा खा रही है। झारखंड में भी सर कुछ इसी तरीके की स्थिति है, NDA जो है वो 9 पर आगे है लेकिन 3 के नुकसान में है, और वहीं जो इंडिया गठबंधन है वो 5 सीटों पर आगे चल रही है और 3 का उसको फायदा हो रहा है, अन्य वहां पर भी शून्य है इन्हीं दो पार्टियों के बीच में। आप देखिए कि झारखंड में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे ईडी लगी, जांच हुई, जेल गए, सारा मामला चलता रहा, उसके बावजूद भी स्थितियां नहीं बदली जी। केरल से बहुत अच्छे कुछ वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं और केरल में स्थिति यह है कि फिलहाल NDA जो है वो 1 सीट पर आगे चल रही है और 1 की ही उसको बढ़त है। कांग्रेस जो है वो 14 सीटों पर आगे चल रही है और 1 के नुकसान पर है। जो 1 का नुकसान कांग्रेस का है वो NDA को फायदा दे रहा है, और माकपा जो है वो 1 सीट पर आगे बढ़त बनाई हुई है और अन्य जो है वो 4 पर, बाकी भाजपा जो है वो शून्य पर। बिल्कुल, इसी तरह से अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, और वहाँ का अगर आप चीज़ों को अध्ययन करेंगे तो वो बहुत जोरदार है, वहाँ बीजेपी की स्थिति बड़ी स्ट्रांग दिख रही है। बीजेपी का बोलें तो NDA गठबंधन की स्थिति 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, मैंने उसको 19 सीटों का लाभ है, ये बहुत बड़ी बात है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु भी मैं आपको बता दूं कि NDA जो है वो 1 की बढ़त पर है, 1 की 1 ही सीट पर आगे और 1 ही पे बढ़त पे है, और इंडिया गठबंधन जो है वो 38 सीटों पर आगे चल रही है और 6 की उसको बढ़त मिल रही है। देखिए, अन्ना प्रमुख जो है सर -1 पर है, मतलब 1 का नुकसान। दक्षिण भारत की पार्टी भाजपा को नहीं माना जाता था, लेकिन कर्नाटक जो है वो दक्षिण का द्वार माना जाता है, कर्नाटक से बीजेपी की एंट्री। आप देखिए, आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, NDA गठबंधन ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस है उनका, 19 सीटें पे बढ़त है उनको, 19 ये पहली बार हो रहा है आंध्र प्रदेश में। आपने बताया तमिलनाडु का हाल, तो आप देखिए कि दक्षिण भारतीय राज्यों में भाजपा अपनी पैठ बना रही है। सर, इसी में तेलंगाना भी मैं जोड़ूंगी, बीजेपी को 4 की बढ़त मिल रही है, 8 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस जो है वो 8 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं 5 की बढ़त बनाई हुई है। TRS जो पार्टी है वो 9 के घाटे पर है और अन्य जो है वो 1 पर बढ़त बनाई हुई है। बिल्कुल, तो दक्षिण भारत में भाजपा की या NDA गठबंधन की एंट्री हो चुकी है, और मुझे लगता है कि भविष्य में वहाँ बीजेपी अपना परचम लहराएगी, क्योंकि जो हिंदुत्व की लहर है, जो राष्ट्रवाद का मसला है, वो लोगों को छूता है। लेकिन जहाँ ऑलरेडी राष्ट्रवाद स्थापित था, जहाँ भाजपा अपनी जड़ें जमा चुकी थी, वहाँ से भाजपा की जड़ों को काटने की तैयारी भी ये परिणाम बता रहे हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत चिंतन मनन का समय है। कर्नाटक में भी 10 का नुकसान जो है वो बीजेपी को है और 16 सीटों पर आगे
बढ़त बनाई हुई है, वहीं कांग्रेस 10 सीटों पर बढ़त बनाकर 9 के फायदे में है, और जनता दल जो है वो 2 सीटों पर आगे चल रही है, 1 की बढ़त बनाई हुई है। आप कर्नाटक की 28 सीटों में से आप देखिए कि बीजेपी के 16 है और 16 में उसको 10 का नुकसान है। ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एंट्री यहीं से, जब सुषमा स्वराज जी जीवित थी उन्होंने कर्नाटक में बेल्लारी से चुनाव लड़ा और पहली बार लगा कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रही है। उसमें बेल्लारी के जरिए जो एंट्री हुई थी वो बड़ी मजबूत स्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन 10 सीटों का नुकसान कर्नाटक में नजर आ। बिल्कुल, हम आपसे यूं ही चर्चा करते रहेंगे, कहां एनडीए और कहां इंडिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।